अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है हैरियत से होने वाले हो। अच्छा, न्यू लोगों को बताना चाहूँगा ना, ये गाड़ियाँ जो आपने इंट्रो क्लिप्स के अंदर देखी, ये यहाँ से पिंडी पॉइंट के लिए जाती हैं। माल रोड के करीब तरीन ना, सबसे करीब तरीन जो टूरिस्ट के लिए एक्टिविटी है वो पिंडी पॉइंट में ना हमारी चेयर लिफ्ट है, जिसकी हमने स्नोफॉल सीरीज भी आपको प्रोवाइड की, और ये रिसेंटली अभी जो सीज़न गुजरा है इसकी सीरीज़ भी प्रोवाइड की। वो भी कंप्लीट नहीं है, जो है वो सीरीज़ में कुछ वीडियोस रहती हैं जो कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ना हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मरी में और भी टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन सबसे करीब तरीन जो एक्टिविटी है ना वो यही हमारी चेयर लिफ्ट है, जिसका अभी टिकट जो है ना वो 1000 है, 1K। तो ये आप सीरीज़ अगर ना देखना चाहें तो वैसे मैं आपको गाइड करना चाहूँगा ना कि 1000 में इसको, इसमें ना आपको जो है वो टिकट इसका देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वाली चेयर लिफ्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे हमारी तो चेयर लिफ्ट यही है, अपनी चेयर लिफ्ट रिकमेंड करनी चाहिए जो अपने पड़ोस में है, जो अपने करीब में है, जिसकी तरक्की हम चाहते हैं। लेकिन चले, मैं आपको ना दूसरी न्यू मरी वाली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसकी राइड इससे थोड़ी सी ज़्यादा है और वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और उसका टिकट भी ना ऑलमोस्ट इतना ही है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बंद है, फ़िलहाल वो ओपन नहीं है मेंटेनेंस के काम की वजह से। चार अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक हर वीडियो की ना डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, आप लोग उसको ना ज्वाइन करें ताकि आपको हर टूरिस्ट पॉइंट की ना इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। अभी ये जो न्यू मरी वाली चेयर लिफ्ट जो है बंद है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे भी जो है उस ग्रुप से देखने को मिली। वहाँ पे डिफरेंट लोग ना आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो मैक्सिमम टूरिज्म के रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँच सके, आप उसको ज्वाइन करें, और दूसरा हमारी आपस में कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और हर टूरिस्ट पॉइंट की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती रहेगी। बाकी ये होटल्स हमने रिव्यू किए हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन से चल के ना आप ये डिफरेंट होटल्स अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से तो आप देख ही रहे हैं। तो आपने अगर बुकिंग वगैरह भी करवानी है, अभी मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा एडवांस बुकिंग करवाएं, क्योंकि रूम्स आजकल ना मुनासिब हैं, तो यहाँ पे खुद आके बंदा रूम पसंद करके चूज़ करके भी बुकिंग करवा सकता है। लेकिन ऐसा अगर सीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा रश है, क्राउड है, तो आप अपनी एडवांस बुकिंग करवा के आएँ, ये रिकमेंड किया जाता है। तो फिर आप ना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी प्लेलिस्ट से जो होटल पसंद आए वो आप हमसे कनेक्ट होके शेयर कर सकते हैं कि ये पसंद आया, इसमें बुकिंग करवा दो, तो हम उसमें आपकी ना ज़रूर 100% हेल्प कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर और एक्टिविटीज़ की बात करें ना इस चेयर लिफ्ट के अलावा, तो पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ, इसके अलावा दूसरी जो चेयर लिफ्ट है वो न्यू मरी में, यहाँ से ना तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है, वो मरी के ना एक्सप्रेस वे पे आती है। एक्सप्रेस वे से उसके लिए ना रोड अलहदा होती है, और ये जो है ये मरी के जीटी रोड पे आती है, ये जीटी रोड के ना बिल्कुल ऊपर है, लेकिन वो एक्सप्रेस वे से ना उसके लिए एक रोड अलहदा होती है, जिस रोड पे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है, फिर हम उस चेयर लिफ्ट को पहुंचते हैं। तो आप अगर एक्सप्रेस वे से आते हैं तो आप उस चेयर लिफ्ट को एक्सप्लोर एंड इन्जॉय कर सकते हैं, और अगर जीटी रोड से आते हैं तो इसको एक्सप्लोर एंड इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यूबिया वाली चेयर लिफ्ट है, उस पर अभी जो है वो काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं, वो अभी नहीं चल रही। तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो यूबिया जो है वो गिलियात साइड पर पूरा का पूरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर ना हम जो है वो अपने टूर प्लान में 2 दिन भी ऐड कर सकते हैं, 3 दिन भी ऐड कर सकते हैं। वो मरी की तरह ना एक अलहदा जगह है, वो इससे भी ज़्यादा टॉप पे है। लेकिन स्नोफॉल वाले सीज़न में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वेदर चेक करके जाएं, वेदर प्रिडिक्ट करके जाएं, ऐसे फजूल में ना जाएं। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ प्रीवियस ईयर में ना 2021 में जब बहुत ज़्यादा स्नो हुई थी तो वहाँ पर स्ट्रक हुई थी, यहाँ पर मरी में कभी भी बंदा स्ट्रक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कम स्नो होती है उस एरिए की बनिस्बत।
और बहुत कम एरिए के अंदर होती है, वो तो तकरीबन 25-30 किलोमीटर की रेंज में होती है ना, और ये जस्ट 7 किलोमीटर की रेंज में होती है, बहुत ज़्यादा हो तब 7 किलोमीटर की रेंज में, अदरवाइज 1 या 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर ना यहाँ पे मरी में स्नो होती है। तो यहाँ पे अगर इतनी स्नो भी हो जाए ना तो 7 किलोमीटर तो बंदा जहरी बात है पैदल भी चल सकता है, इसका मतलब है बंदा कभी स्ट्रक यहाँ पे मरी में नहीं होगा। लेकिन आगे अगर गिलियाद साइड की तरफ मूव करते हैं तो अगर ऐसा वेदर है कि शायद स्नो स्टार्ट हो जाए तो ज़रूर स्ट्रक हो सकते हैं, तो 25-30 किलोमीटर पैदल सफ़र करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप मरी के अंदर आए ना, यहाँ के स्नोफॉल को एंजॉय करें, अगर फिर भी आगे जाना चाह रहे हैं तो वेदर चेक करके, वेदर प्रिडिक्ट करके, मकामी लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके तभी मूव करें। अच्छा यार, अब स्नोफॉल वाले सीज़न करीब है ना, तो स्नोफॉल के रिलेटेड डिस्कशन होती ही रहेगी रोज़ाना के व्लॉग्स में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ना, स्नोफॉल का सीज़न जो है वो मरी में स्टार्ट होने में ना तकरीबन 1 मंथ और 4 वीक रह गए, यानी कि यही समझ लें 2 मंथ रह गए। दिसंबर के ना लास्ट वीक में मरी के अंदर स्नोफॉल अमूमन स्टार्ट होती है, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर हम 2023 की बात करें ना तो नहीं हुई, 2023 का दिसंबर का जो लास्ट वीक था ना उसमें नहीं हुई, लेकिन जो 2024 का फर्स्ट मंथ था ना वो गुजारने के बाद हुई है जब सीज़न एंड होने जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी देखने को मिली, ज़्यादा देखने को मिली, अल्लाह का शुक्र है देखने को तो मिली ना। वैसे हमारी तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि शायद 2024 के अंदर स्नो ना देखने को मिले, तो इस दफ़ा भी दिसंबर करीब है मरी के अंदर जो है वो स्नो होगी, तो हम इस खुशी को ना सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत अच्छा जो है वो लग रहा होता है मरी, तो इंशाल्लाह हम लोग ना इसको एंजॉय करेंगे, अल्लाह करे इस दफ़ा जल्दी हो जाए स्नो मरी के अंदर। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। अभी इस सीज़न के अंदर जिन लोगों ने आना है ना उन्होंने अपनी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करके आनी है, ताकि यहाँ पर आके ना उनको ज़रा बराबर भी ठंड फील ना हो। स्नोफॉल वाले सीज़न में इतनी ठंड नहीं होती जितनी कि अभी इस टाइम पे होती है, दोपहर में तो अच्छी धूप होती है तो उस टाइम पे ठंड नहीं होती, लेकिन अगर इस टाइम की बात करें ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंड शुरू हो जाती है। सो आपको रिकमेंडेड है ड्रेसिंग अच्छी करके आएँ ताकि ठंड फील ना हो। तो बाकी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मैं चाह रहा था कि ऐसी मस्जिद में जा कर नमाज अदा करूँ जहाँ पर ना गर्म पानी हो, तो सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, और लेकिन सूरज कहाँ पहुँच चुका है, तो नमाज में थोड़ा सा ही टाइम रह गया तो मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए, तो मैं इधर ठंडे पानी से वुज़ू ही करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इस मस्जिद का ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, जून जुलाई में भी ना इस मस्जिद का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि जैसे आप फ्रीज़र से निकालो लेकिन वो बर्फ़ ना बनी हो, इतना ठंडा जो है वो इस मस्जिद का पानी है। उसकी लॉजिकल रीज़न ये है, ये ताज़ा बोरिंग का पानी ना ज़मीन से निकाल के ताज़ा ही यूज़ करते हैं, उसको टैंक के अंदर स्टोर नहीं करते, तो स्टोर ना करने की वजह से उसके अंदर गर्माइश नहीं आती धूप वगैरह की। अच्छा डियर फ्रेंड्स, रश देखें आहिस्ता आहिस्ता ना टूरिस्ट मरी के अंदर आ रहे हैं, तो वैसे आम दिनों में तो बड़ा अजीब लगता है, बिल्कुल भी सिंगल टूरिस्ट भी नहीं होता मरी के अंदर, ठंड वगैरह होती है, लेकिन आज देखें आप ट्रैफिक जो है वो मरी के लिए इंटर होता है तो देख के अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी सिटी के अंदर टूरिस्ट देख के, लेकिन कुछ लोगों को मरी के अंदर रश अच्छा नहीं लगता, क्राउड अच्छा नहीं लगता, तो उसके फ़ायदे भी हैं, रूम रेंट भी मुनासिब होता है अगर रश नहीं होता क्राउड नहीं होता, बंदा इजीली ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो एक्सप्लोर एंड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की एपिसोड इतनी ही थी, बस दुआओं में याद रखिएगा और ओपिनियन का इजहार ज़रूर करते रहा करें, कॉन्टेंट में अगर कोई कमी दिखती है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट किया करें। थैंक यू।